बाड़ी भगाओ शिवर बचाओ, ऐसा बात है। आएंगे निर्दलीय से आएंगे तो हम सब लोग एक दो तीन करके वोट देंगे। बाबा जीतेंगे तो उनको अपना इतना दिए हुए हैं कि वो अपने विकास करेंगे। लेश्वर बाबा ही आना चाहिए। हम लोग तो बीजेपी से भी रिक्वेस्ट किए कि उनको टिकट दिया जाए, लेकिन नहीं दिए बीजेपी, तो निर्दलीय से हम लोग मंगा रहे हैं उनको। अच्छा, आप लोग निर्दलीय? हाँ, शिवर का बेटा ही हो। नहीं, चलिए योगी नहीं है, और कोई चेहरा है, निर्दलीय खड़ा कीजिए, लेकिन शिवर का ही होना चाहिए। अखिलेश्वर दास को हमने निर्दलीय आ रहे हैं, निर्दलीय से हमने बहुमत से जिताना है भारी गांव को। शिवर का बेटा ही होना चाहिए, दूसरा कोई नहीं है। शिवर में अभी भी बंजर शरीर, शिवर बंजर नहीं है। शिवर के धरती पर भी तो पंडित रघुनाथ है, और यहीं से जो केंद्र में मंत्री भी बढ़ रहे हैं। हम लोग निर्दलीय से मंगा रहे हैं। आपके अनुसार से शिवर को विकास करने के लिए किस नेता की जरूरत है? योगी बाबा जैसा नेता चाहिए। योगी बाबा आखिर क्या है? योगी बाबा की सब लोग कर रहे हैं, योगी बाबा को न बाल बच्चा है, जो भी काम करेंगे पब्लिक के लिए ही काम करेंगे। अच्छा, और नेता लोग है तो वो अपना पेट भरने के लिए करेंगे, लेकिन योगी बाबा जो भी आएंगे, जो भी काम करेंगे, वो हम लोग के लिए, पब्लिक के लिए ही मरेंगे, पब्लिक के लिए ही काम करेंगे। ऐसा तो नहीं की जीत जाने के बाद? नहीं ना, वैसा वो नहीं है। वो कितना है तो हम लोग बाबा है, बाबा का वचन खाली नहीं जाता है, जो बाबा बोलता है वही करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बाबा एक्सप्रेस न्यूज। शिवर लोकसभा की सीटें काफी सरगर्मी बढ़ चुकी है, और इस पे जनता की क्या राय है, जनता कुछ इस जनता से बात करेंगे कि आखिर अपनी बार शिवर लोकसभा से किनको देखना पसंद कर रहे हैं, आ कौन सा नेता शिवर में आना चाहिए जो कि विकास कर रहे हैं। आप कहाँ से हैं? शिवर से हैं। तो क्या इस बार लोकसभा चुनाव का सरगर्मी काफी तेज हो चुका है, इस बार किसको पसंद कर रहे हैं आप? बाबा को। बाबा कौन? बाबा अखिलेश्वर दास, योगी अखिलेश्वर दास। हाँ। इस बार से साल 2024 में सीहोर लोकसभा की जो सीटें है काफी गर्म है, इस समय पता नहीं चल रहा कि कौन प्रत्याशी आएगा, कौन क्या करेगा, कुछ संभावित नहीं हो पा रहा है। आपके विचार से कौन सीहोर में आए जो कि विकास करे? योगी अखिलेश्वर दास जो थे ना साधु जी जो है, हाँ, जो अभी, हाँ, बहुत बढ़िया रहते के हम, लेकिन लोग उनको मिला नहीं, लेकिन उनको तो टिकट नहीं मिला, मिला नहीं। अब आ जाते, यानी कि हम लोग बहुत पूर्ण विश्वास किए थे उनको, हम लोग पूरा सपोर्टर में थे। सुनने में ये भी आ रहा है कि योगी अखिलेश्वर दास जी निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं, इसमें आपकी क्या राय है? निर्दलीय लड़ेंगे तो हम लोग देंगे, सपोर्ट करेंगे उनका। अच्छा, आप लोग समर्थन में हैं? समर्थन में है एकदम। अच्छा, आप लोग भी हैं? सभी आदमी उनके सपोर्टर में, योगी उनके जैसा कैंडिडेट तो कोई है ही नहीं। आपका क्या कहना है? जी हमारा कहना है बाहरी को तो वोट देंगे नहीं हमने। अच्छा, क्यों? क्योंकि बाहरी को तो देख के हम नहीं पछता रहे हैं, समझे? विकास नहीं हुआ है, कोई काम नहीं हुआ है। ए लेल बाबा अखिलेश्वर दास को हमने निर्दलीय आ रहे हैं, निर्दलीय से हमने बहुमत से जिताना है भारी गांव को। ऐसा बात है जी? तो क्या आपको लग रहा है कि वो आएंगे तो पक्का विकास होगा? एकदम विकास होगा, एकदम होगा, एकदम विकास होगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस होने का मतलब क्या है? इतना आपके पास कॉन्फिडेंस लग रहा है? बाबा है, योगी है, बाबा आदित्यनाथ योगी है, वो तो बहुत विकास करेंगे। उसको पहले कुछ नहीं है, न घर न है, द्वार न है, कुछ भी नहीं है। अच्छा, क्या सही बात है? एकदम निश्चित, जितना उनको जीत रखा हुआ है, उनको जीत रखा हुआ, रखा हुआ है, उनको तो पार्टी टिकट भी नहीं दिया, नहीं दिया। निर्दलीय से जीताएंगे हम लोग, निर्दलीय जीताएंगे, उनको भी पर विश्वास है, वो जीताएंगे। राम जी भगवान पे भरोसा है, भरोसा है एकदम, लेकिन निश्चित जीता हुआ है और जीत रखा हुआ है। बाबा अखिलेश्वर दास को हमने जीत रखा हुआ है, बाबा अखिलेश्वर का जीता। उनके जगह पर तो और सारे प्रत्याशी भी दावादारी कर रही है, शिवर को जदयू से भी टिकट मिला है, लवली आनंद को, सबको मिला है। वो सब अच्छा नहीं है? वो सब कोई अच्छा नहीं, बीजेपी के सीट नहीं दिया है, वो जदयू के दिया है, तो जदयू के भाजपा वो अपने गोर में टेंगारी मारा है। ऐसा बात? हाँ। चलिए, कुछ और लोग भी है, और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि इनका क्या पसंद है। क्या सर, क्या कहिएगा? अपनी शिवर 2024 में जो चुनाव है लोकसभा का, इसमें काफी सरगर्मी तेज बढ़ चुकी है, इस पे आपकी क्या राय है भाई? हम आपके हिसाब से कौन बेहतर है? शिवर वाले को तो हम लोग एक ही नारा चला रहे हैं, क्या? बाहरी भगाओ शिवर बचाओ। अच्छा, एक ही नारा है? हाँ, हमारे जो संसदीय क्षेत्र है तीन गो, चिरैया, ढाका, शिवर, इसी तीनों क्षेत्र से कोई आए हम लोग उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, बाहरी किसी को सपोर्ट नहीं। क्या आपके नजरिया से शिवर को बेहतर विकास होने के लिए कौन सा प्रत्याशी अच्छा है? जैसे कि अभी बाबा अखिलेश्वर दास का नाम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है, सब जगह उन्हीं का चर्चा चल रहा है, हम लोग उन्हीं को सपोर्ट में है। अच्छा, कि बाबा आएंगे मतलब तो जिले का विकास करेंगे, जिनका चर्चा चलने लगा उन्हीं को वोट दीजिए, विकास करे चाहे नहीं करे। क्यों नहीं करेंगे, जरूर करेंगे, विकास करेंगे, उनका काम देखें हम लोग।
अच्छा। अभी संत सम्मेलन कराए थे, हजारों बाहर से 2000 लोग संत लोग आए थे, पूरा शिवहर जो भगवानमय हो गया था, बहुत सारा अच्छे अच्छे कार्यक्रम करा रहे हैं और लोगों के साथ रहते हैं, हमेशा उनके सुख दुख में काम आते हैं, हम लोग भी बातचीत करते रहते हैं उनसे, बोलते हैं कोई दिक्कत सिक्कत हो तो हम लोग है, चाहे हम राजनीति में है चाहे नहीं है, मदद करने के लिए सब जगह तैयार रहते हैं। उनको तो पार्टी इस बार टिकट भी नहीं दी है। पार्टी का तो हम लोग कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पूरा समीकरण तो देख रहे हैं हर जगह का बिगड़ गया है, पता नहीं कैसे लोग पार्टी कैसे अपना काम कर रहा है, लोग अपने हिसाब से सोचे होंगे, लेकिन हम लोग जनता हम लोग जो है सब सोचे हैं कि अभी बाहरी लोगों को हम लोग को सपोर्ट हम सुन नहीं। आपको क्या लगता है कि निर्दलीय योगी जी जीत जाएंगे? जरूर जीतेंगे। क्या लगता है आपको सीवर में क्या होने वाला है? सीवर में हम लोग का नारा है अब की बार बाहरी भगाओ सीवर बचाओ, बस सभी युवाओं का मांग है, बाहरी भगाओ सीवर भगाओ, बाहरी को भगाना है सीवर बचा लेना है, अब की बार कुछ नहीं चलेगा। और ये सीवर है ना बंजर नहीं है, सीवर के धरती पे नेता है और सीवर के धरती ये सीवर वही सीवर है जो हमारे सीवर निर्माता पंडित जगन्नाथ झा का ये धरती है, अनमारू हक का धरती है, ये हरिकिशोर बाबू का धरती है, इस सीवर वही सीवर है। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि उस लाइक नेता ही नहीं है सीवर में, कि बहुत सारे नेता है सीवर में, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत सारे सीवर नेता है। अब देखिए अभी तो हम लोग बहुत सारे आस लिए थे हम लोग तो बीजेपी बीजेपी तो नहीं दी टिकट बीजेपी, जब ऐसा अब बीजेपी को सोचना चाहिए ना, जब यहाँ पे क्या उन लोग सर्वे कराया क्या नहीं कराया, उन लोग को सोचना चाहिए, जब ये 15 साल से बीजेपी का सीट था तो फिर इस बार काहे जदयू हो गया, ये सोचना चाहिए। बौलक बीजेपी क्षेत्र है, ये समझिए पूरा बीजेपी ही क्षेत्र है, और यहाँ बीजेपी 15 साल से यहाँ पर लोग बीजेपी से ही जीत रहा है। तो क्या आप लोग नाराजगी भी होती होगी आपस में? बिल्कुल नाराजगी, हम लोग कोई पार्टी के नहीं है, हम तो ये मंदिर का सचिव हुए और हम लोग हमेशा साधु संतों के और राम के भक्ति में हम लोग रहते हैं और यहाँ के हर समस्या से हुबरू है, हर समस्याओं को हम लोग रोड पे आके समस्या से लड़े हैं। अब हम लोग को ये पता चल गया कि बाहरी को वोट देकर जिताना नहीं है, कोई भी हो बाहरी को हम लोग नहीं जिताएंगे, बाहरी को भगाना है सीवर से। और यहाँ के एक ही प्रत्याशी जो आज ट्रेंडिंग में हम लोग का चल रहा है योगी अखिलेश्वर दास को हम लोग फुल सपोर्ट कर रहे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहे हैं। हाँ, योगी अखिलेश्वर दास को ही फुल सपोर्ट में हम लोग किए हैं और वो पार्टी की तरफ से उनको टिकट न दिए थे, दुर्भाग्य है उनका पार्टी का, पार्टी के रहते हुए वो पार्टी का जगह जगह प्रचार किए लेकिन उनको नहीं मिला, और वो नंबर पे थे हर तरह के, उनके पार्टी का जो आदर रहता था सब वो करते थे लेकिन उनको टिकट नहीं हो, जदयू सीट कर दिए, समीकरण चेंज हो गया, निर्दलीय आएंगे, पापा बाबा निर्दलीय आ रहे हैं, बाबा को हम लोग सपोर्ट करेंगे और हम लोग बाबा को जो सन्यासी है बाबा उनका घर ही नहीं है, बाबा के सपोर्ट में हम लोग एकदम तैयार हैं, बाबा को ही हम लोग वोट देंगे। और युवाओं को भी मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूँ, आज गुमसुम की हुई युवाओं, जब आप चले जाइएगा जब इलेक्शन के टाइम में बाहरी का नारा, फिर बाद में जब इलेक्शन लोग जीत जाएगा तब आपको पता चलेगा बाहरी को वोट दे के गलती किए हैं, उन युवाओं से भी कहेंगे कि आज कहाँ हो आप, गुम कहीं नज़र नहीं आ रहा है वो युवा जो रोड पे आता था, कहीं ना कहीं विरोध होना चाहिए, बाहरी नहीं आना चाहिए इस युवा में।